श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मानो चीरन कसीन हैर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहती हूँ इन जुवानसों और सुपन श्रवण नजर, अक्षराते धामधनी के श्रृंगार के वर्णन के लिए नश्वर शरीर की जिह्वा से प्रयत्न कर रहे हैं और तुलना भी कर रहे हैं स्वप्न श्रवण नजर, स्वप्न के श्रवण और नजर उसके उसके अनुसार तुलना करते हैं। और कहने की जिह्वा भी वही है तो सुनने के लिए श्रवण भी और देखने के लिए दृष्टि भी। दुनिया तो दुनिया में तो नश्वर ही है। जो नजरों सूरज ख्वाब के सो हक सिफत पहुँचे क्यों कर है। यहाँ हके है वो हक होना चाहिए, कोई होना चाहिए। हक सिफत पहुँचे क्यों कर। जो जो दृष्टि स्वप्न के सूर्य को देखती है, संसार के सूर्य को ही देखती है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा को कैसे देख सकेगी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। तो अब श्री राज्य के स्वरूप उसमें श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। कट चीन झल के दावन बैठ गई अंग पर। तो कट ये कटी प्रदेश कमर, तो उसमें चीन झल के दावन, तो दावन तो अंग वस्त्र है, तो उसमें ये वो चीन का रेशम का तो अंग वस्त्र है। बैठ गई अंग पर, तो अंग में जैसे पूरे वो अंग का ही एक भाग हो उस प्रकार से वो बैठ जाती है, अंग वस्त्र उस प्रकार से बैठते। कई रंग नंग इजार में, और इजार में कई प्रकार के रंग के रत्न हैं लगे हुए हैं। सो आवतमाए नजर, वो भी दृष्टि में आते हैं। और भूषण जो चरण के सो अति धरता है ज्योत, चरण के आभूषण वो और ज़्यादा प्रकाश देने वाले हैं। नरम खुशबुएश्वर माधुरी आसमान जिमी उद्योत, उनकी कोमलता सुगंध और मधुर उनसे निकलने वाला मधुर स्वर आसमान जिमी उद्योत, आसमान जिमी को भी प्रकाशित करते हैं। तो ये उनसे वो प्रकाशित करने का तात्पर्य, तो सारे आसमान से लेकर के भूमि से लेकर के आसमान तक वो छा जाते हैं, इस तरह से समझना पड़ेगा। पांव तली नरम उज्ज्वल, पांव तली वो चरण के तली, चरण तल, तो नरम उज्ज्वल, नरम भी है और बड़े उज्ज्वल है। अब दुनिया में तो क्या है कि ये नश्वर शरीर है, तो इसके इसके चरण हैं तो उसमें वो कोमलता नहीं होगी, वो कठोरता रहेगी, और ये तो बहुत नरम होते हैं। लीकें एड़ी लाक लाल, तो उनसे उनकी लीकें वो रेखाएं एड़ी, और वो लाक गहरापन है, तो उन सब में लालिमा है। एरुआ आशिक से क्यों छूट ही, तो ये अनुरागिनी आत्मा से ये चरण कैसे छूट सकते हैं। एक कदम नूर जमाल है, ये कदम तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हैं। तली हथेली हाथ पाँव की लाल अति उज्ज्वल है, तो हथेली और हाथ की हथेली और पाँव की तली, ये दोनों ही लाल अति उज्ज्वल, लाल हैं किंतु
ऐसे लाल नहीं है, ये उज्ज्वल लाल है, सफेदी बना भी इसमें है तो उस प्रकार का लाल है। और विश्व अंगुरिया नरम पतली और हाथ पैर दोनों की विश्व अंगुलियाँ हैं, वो बहुत नरम और बहुत पतली है। नख नरम निर्मल, नख भी बड़े नरम है और बड़े निर्मल है, बड़े सुंदर है। कांडे कोमल हाथ पाँव के, तो ये कांडे का ये मणिबंद का भाग है हाथ में, और उसी तरह से पैर का भी वो भाग है, तो वो भी बड़े कोमल हैं। फने पिंडी अंग माफक, तो फना तो ये चरण के ऊपर का भाग है और ऐसे हाथ का भी, और पिंडी तो ये पिंडुला बोलते हैं ना, तो वो और इस तरह से हाथ का भी ये भाग है, तो ये भी अंग माफक का जैसे शरीर है उसी प्रकार से तो उनकी शोभा है। उज्ज्वल अति शोभा लिए, ये सब उज्ज्वल शोभा धारण करते हैं। ये सूरत शोभा नितहक, तो ये शोभा है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की है, ये नित्य शोभा है उनकी। रंग रस इंद्री नौतन, तो रंग रस इंद्रियां ये सब नौतन बड़ी ही नूतन, चढ़ता अंग नौतन, तो जैसे वो उसको नया कहने का तात्पर्य क्या है कि नया नया वो सामर्थ्य उनका बढ़ता रहता है और सुंदरता उनकी बढ़ती रहती है, इसलिए गुण अंग इंद्रियां जो भी है तो सब वो गुण अंग इंद्रियां कहने से तो लौकिक होती है, ये अंग इंद्रियां तेज ज्योत शोभा नवतना, उनकी तेज है, उनका तेज है, उनकी ज्योति है, तो वो शोभा है, वो सब उनमें नित्य नूतनता दिखाई देती है। नवतन चढ़ता जौवन, उनका यौवन है वो भी नित्य बढ़ रहा हो ऐसा दिखाई देता है। छव फव मुख सनकूल, तो छवि बड़ी सुंदर, तो किसकी मुखमंडल की छवि बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी लगती है। चढ़ती कला देखाए, और उसमें तो नित्य कलाएं चढ़ रही हो, उज्ज्वलता बढ़ रही हो ऐसा लगता है। कायम अंग अरस के, सब चढ़ता नजरों आए, कायम अंग अरस के, ये परमधाम के अंग हैं, ये तो नित्य हैं, इसलिए सब चढ़ता नजरों आए, सारे नजरों में चढ़ रहे हैं, कहने का तात्पर्य दिखाई दे रहे हैं, तो जितना देखते हैं उतना आनंद आता है। ए अंग सब अरस के, ये सब परमधाम के अंग है, अरस वस्त्र भूषण वस्त्र हो आभूषण ये सब परमधाम के हैं। अरस जरे जवेर को सिफत न पहुँचे सुकन्ना, परमधाम के रत्नों का तो एक छोटे सा कण हो ना, तो उसका भी उसकी महिमा भी दुनिया के शब्दों से बताई नहीं जा सकती है, तो ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसको बताया नहीं जा सकता। सब अंग इश्क के गुण अंग इंद्र इश्क, अंग प्रत्यंग वो प्रेम के होते हैं, उनसे सबसे प्रेम टपकता है। गुण अंग इंद्रिय इश्क, तो गुण अंग इंद्रियां सारे वो प्रेम से भरे हुए हैं। शब्द न पहुँचे सिफत, तो उनकी महिमा के लिए दुनिया के शब्द है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इन विधा कसूरत, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि वो कितना भी वर्णन करें फिर भी वो पूरा वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। कह कह दिल जो कह कहता है, कह कह करके दिल वो वर्णन करके कह भी दें तो कितना कह सकते हैं, ताथे अधिक अधिक होए, इसलिए जितना कहेंगे उतना कुछ न कुछ बढ़ता ही जाएगा, तो इसलिए अभी यहाँ भी ये तीसरा श्रृंगार है, पहले श्रृंगार एक बार श्रृंगार का वर्णन किया, दूसरी बार तीसरी बार, तो कहते हैं कितनी बार करते जाएंगे वो चढ़ता ही जाएगा। शोभा इश्क बक्का तन की, ए मैं कह न सकूँ रंचक, तो ये शोभा और इश्क प्रेम बक्का तन अखंड स्वरूप की शोभा और उनका प्रेम, तो उसको मैं कह न सकूँ रंचक, उसको तो वो थोड़ा सा भी उसका तो अणुमात्र भी वर्णन नहीं हो सकता है। अब लग जानती अरस के, हे मनंग लेत मिलाए, अब अभी तक तो ऐसा लगता था कि ये सारी शोभा श्रृंगार की शोभा है, वो
तो वो अलग अलग वो हेम में स्वर्ण में अलग अलग रत्न जड़े हुए ऐसा लगता था। पैदाश भूषण इन विदा वे पहनत हैं चित चाहे, तो इस प्रकार से आभूषण बने हुए हैं और अक्षराते धने जैसा चाहते उस हिसाब से वो पहनते रहते हैं। तो ऐसा मुझे भी लगता था, एक अले दूजा मिला वही, एक को लेकर के दूसरे को उसमें मिश्रण करना, तब तो घटबड़ होए, उसमें तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ना, कम ज़्यादा उसमें हो सकता है। तो सो तो अरस में है ही नहीं, परमधाम में तो ऐसा होता ही नहीं है। वाहिद अत में नहीं दोए, वाहिद अद्वैत भूमिका में द्वैत भाव है ही नहीं। इसलिए ये कोई भी वस्त्र आभूषण है, ये ऐसे अलग अलग वस्तुएं मिलाकर के बनाई ऐसा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हैं। अक्षराते धनी जैसा चाहते हैं, जैसे उन्होंने धाम परमधाम को प्रकट किया उसी प्रकार से वस्त्र आभूषण को भी उन्होंने शरीर के अंग के अनुरूप अंग से जुड़े हुए हों संलग्न उस प्रकार से प्रकट किया है। घड़े जड़े ना समारे ना सांद मिलाए किन, न तो घड़ने की आवश्यकता है न जड़ने की आवश्यकता है न सुधारने की, समारना का तात्पर्य सुधारना उसकी आवश्यकता है, ना सांद मिलाई किन ना कहीं जोड़ तोड़ किया है। दिल चाहे नंगों के असल वस्त्र या भूषण, जैसे अक्षराते धनी का दिल चाहता है उसी प्रकार से वस्त्र और आभूषण उन्हें नंगों के उसी प्रकार से वो दिखाई देते हैं। तो अक्षराते धनी की इच्छा के अनुरूप ही सारा कार्य होता है, तो उन्होंने अपने इच्छा को ही उनका वो हुकुम कह दिया, तो उसको प्रकट करके सारी व्यवस्था करने के लिए उसी को लगा दिया है। इसलिए अक्षराते धाम धनी जैसा चाहते हैं तो उससे पहले वो ब्रह्मात्मा को दृष्टि पड़ती, उससे पहले ही वो सब वैसे का वैसे दिखाई देता है। इसलिए परमधाम के दृश्यों में भी नित्य नूतनता दिखाई देती है, ऐसे वस्त्र आभूषणों में भी। ना पहनया ना उतारिया दिल चाया सब हो, तो ना तो पहनने की आवश्यकता पड़ती है ना उतारने की, जैसे दिल ने चाहा वो वैसे के वैसे दिखाई देता है। जब चित जैसा चाहिए सो उता आगो बनया ले ज्योत, जैसे चाहते हैं तो वैसे ही दिखाई देता है, जो मानो पहले से बना हुआ हो ऐसा लगता है, पहले से ऐसा ही हो इस तरह की सुंदरता दिखाई देती है। जो रूह कहावे अरश की माएँ बक्का खेलवत, जो आत्माएं परमधाम की कहलाती है और वो भी दिव्य परमधाम के मूल मिलाव में जिनका स्वरूप है, सो जिनकी न छोड़ो स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को मत छोड़ें, कभी मत भूलें। कहे उमत को महामत, महामति अपने समूह को परमात्माओं के समूह को कह रहे हैं कि ऐसे दिव्य शोभा को तुम मत भूलना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहे उमत को महामत, कहे उमत को महामत, जो रूह कहावे अरश की माहे बका खिलवत, सो जिनखिन छोड़ो स्वरूप को, कहे उमत को महामत, कहे उमत को महामत, कहे उमत को महामत।